सदन में जो असेंबली जो है वो एक सबसे ऑनरेबल और प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है। असेंबली को ऑनर नहीं करके, सारा एमएलए को ऑनर नहीं करके, सारा स्टेट का पॉपुलेशन को ऑनर नहीं करके वो असेंबली का अंदर में ये कुत्ता का बात निकालना, ये सब से ज़्यादा इमेच्योरिटी कैरेक्टरलेस बेसलेस इरिलेवेंट चीज को वहाँ आर्ट डेमोक्रेटिक वे में यूज किया। उसके लिए मेरा हिसाब से नरेंद्र मोदी को भी दिल में बहुत चोट लगा हुआ, अमित शाह को भी चोट लगा हुआ, यहाँ स्टेट का प्रेसिडेंट तपिर गांव को भी काफ़ी चोट लगा हुआ। इंस्टीट्यूशन को इतना प्लूटेड कर दिया, इसलिए उस वो खुद उन मॉरल ग्राउंड में स्टेप डाउन होना चाहिए। उसके ऊपर में काफ़ी करप्शन चार्जेस भी है। वो एस जी आर वाई में जो 2004 का सुप्रीम कोर्ट में केस फंसा हुआ है, वो रजिस्ट्रार को लीज आने नहीं देता है, सप्रेस करके रखता है। वो अगर क्या निकल गया होता तो वो अभी जेल का अंदर में रहना चाहिए। वो दुवंग जो इंसिडेंट हुआ है उसमें मेरा विचार में भी मेंशन किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करके जल्दी में जो बोलता है वो भी करने नहीं देते। और दो आदमी ये आगे बात आगे पौधा साला इसको इंक्वायरी कमेटी का बना के जो आदमी रिटायर हो चुका है उसको बना के ऐसे हर चीज़ को टेम्पररी टाइप का आदमी स्टेट को कैसा संभालेगा। स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो है वो सबसे क्लीन क्रिस्टल क्लीन टाइप का ये आदमी होना निश्चित बोल के नहीं, हम पीपीए का प्रेसिडेंट निश्चित से बोल रहे हैं। इंटर अरुणाचल का लेजिस्लेचर लोग सब उन मॉरल ग्राउंड में उससे विड्रॉ करना चाहता, मेरे लोग भी नहीं किया। वो भी ओनली अभी देखा जाए तो ओनली 14-15 मंथ्स बाकी है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, और आप लोग अभी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, डिमांड्स कर रहे हैं कि इसके दान हो जाए। तो आप लोग का जो बोलना है कि अभी सीएम एक ऐसा होना चाहिए जो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तो आप लोग का नज़र में इस वक्त अभी कौन है जो क्रिस्टल क्लियर है, या पीपीए से है या फिर बीजेपी से कोई ऐसा है जो सीएम का लायक है? अभी का जो है जो आदमी को ऑनर कर सकता है, ऑनेस्टली ऑनर कर सकता है एज ए ह्यूमन बींग, ऐसा आदमी होना चाहिए वो, और इसका चिंतित आदमी नहीं होना चाहिए। उसी हिसाब से तो हम लोग ये करना, वो आदमी होना चाहिए, ये आदमी नहीं बोलेगा, लेकिन पॉपुलर अमाउंट लेजिस्लेचर वो कैन वो एंजॉय मोर पॉपुलरिटी अमाउंट देम, वो लोग जिसको भी बनाने देते हैं। सर पीपी से कोई ऐसा है आपका? नहीं, हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे सर, आपका नजर में आपका पीपी में से कोई ऐसा है जो सीएम कैंडिडेट कर सकते हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत है, दो तीन है, एक दो नाम सर बहुत है। तकम पारियो है, इज क्वाइट इज जेंटल इनफ, हमने आपको प्रेस रिव्यू में मैंने बताया कि ही सीम्स टू बी द मोस्ट नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर एट द मोमेंट। जो अभी रैली हुआ था ही हैड प्रॉमिस्ड वी वांट एवरीबॉडी शुड बी बिहाइंड द बार्स, तो रीजनल पार्टी बोलता ही है।